है ना। इसके मैंने फॉर्मूले भी सारे बता दिए थे, मैं यही सॉल्व करूंगा। अगर आपने किया होगा तो एक बार मैच करवाना। वैसे मैंने इसके फॉर्मूले जो है सब बता दिया था, इस तरीके से इतने लेंदी नहीं करो। इसके इस फॉर्मेट का जो है मैंने फॉर्मूला बता दिया था, ठीक है। जिसने कहा था ना कि ये फॉर्मेट जो है इस तरीके से नॉर्मली याद करते हैं, हमने कहा था आपको इस फॉर्मेट में भी याद करिए। यू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो आपको क्वेश्चन करना है उसमें से अब शुरुआत कर रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर फोर्स कॉन्स्टेंट के दिया है हमारा ऑलरेडी 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 0.01 मीटर है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया, 160 जूल। इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्या आपको याद करना है, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू ही तो रखना है 1/2, और के की वैल्यू कितना दिया है जी 2 × 10⁶, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻²। अच्छा यहां पर आप 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ये पहले 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 10⁶ और ये 10⁻⁴ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10⁻² हो जाएगा। तो 10⁻² मतलब 100 जूल आ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, सी ऑप्शन।